तो दोस्तों अभी हाल ही का ही बात है कि जो ओला कंपनी है ना, तो इनके तरफ से एक से बढ़कर एक टीजर जो है ना, तो वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है ना, तो वो पोस्ट किया जा रहा है। क्योंकि भाई ओला कंपनी की तरफ से उनका एक न्यू या फिर ओला का ही न्यू इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना, तो वो आने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और आपके सामने जो एक टीजर चल रहा है ना, तो इसके अंदर जो फेस या फिर जो बाइक देखने को मिल रहा है, तो वो ये वाले बाइक से ना काफी ज्यादा भाई मेल खाता है डिजाइन वाइज। बाकी बात किया जाए ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा और लॉन्च किया कुछ है, और इसके अलावा इस वाले बाइक के भी अलावा और तीनों बाइक्स हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल ही का ही बात है कि भाई बहुत ही ज्यादा जो टीजर्स है ना, तो वो ओला कंपनी की तरफ से रिलीज किया जा रहा है उनके ही भाई सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। क्योंकि भाई ओला कंपनी की तरफ से ओला का ही न्यू इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना, तो वो लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और जैसे ही देख सकते होंगे आपके सामने जो टीजर चल रहा है ना, तो इसके अंदर ये जो बाइक आपके सामने है ना, तो ये भाई बहुत ही ज्यादा मेल खाता है इस वाले बाइक से जो कि अभी आपके सामने है। वैसे अगर बताऊं कि भाई ये जो बाइक टीजर के अंदर दिखाया जा रहा है ना, तो इसके अंदर भाई पहले बात तो है भाई जो लुक्स, तो वो एक बहुत ज्यादा डिफरेंट वाला लुक है जिसमें आपको देखने को मिलेगा एलईडी डीआरएल्स, लेकिन ये भाई हॉरिजॉन्टल शेप में है जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके ही साथ साथ भाई प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स भी जो कि आपके सामने है और इंसान के आंख की तरह ही लग रहा है देखने में। बाकी इसके अलावा एक और भी चीज जो कि भाई ओला इलेक्ट्रिक के ही ये जो न्यू टीजर है ना, तो इसके अंदर साफ साफ देखने को मिला है कि ये जो न्यू बाइक है, तो ये सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप के साथ में है और इसके ही साथ साथ पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर भी दिया गया है। और बाकी अगर देखा जाए इस वाले बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम, तो भाई सामने जैसे कि देख ही सकते होंगे डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा सुना ही कुछ यही दे रहा है कि इस वाले मॉडल के साथ में भी आपको देखने को मिलेगा डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट। हालांकि ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर क्या कुछ इंजन है, तो ये सच बता रहा हूं ऑफिशियल तरीके से अभी क्लियरिटी नहीं मिला है, तो इसी वजह से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन भाई इस वाले मॉडल को देखते हुए ना, कुछ ऐसे ही लग रहा है कि इसके अंदर जो पावर है ना, तो वो भाई तगड़ा सा ही देखने को मिलेगा। और सच बता रहा हूं भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक और भी चीज देखने को मिलेगा जो कि है पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला एक मीटर कंसोल, जिसके अंदर अभी के रेट में बोला यही जा रहा है कि आपको एक पहले बात तो पूरे ही तरीके से कलरफुल वाला एक डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ओला मैप्स की वजह से जो नेविगेशन वगैरह जो भी है, तो वो भी आप लोग यूज कर पाओगे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना, तो वो भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से म्यूजिक कंट्रोल और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन कॉल अलर्ट वगैरह जो भी है, तो ये सारा कुछ चीजें देख पाओगे। साथ में तो ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ओला का न्यू बाइक है ना, तो उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, साथ में राइडिंग मोड्स भी। और इसके साथ साथ तो ये भी कुछ बोला जा रहा है कि जो ओला इलेक्ट्रिक का जो न्यू बाइक्स आने वाले हैं ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है भाई हर एक बाइक्स के अंदर हर एक टाइप का लुक। मतलब कि जैसे ही देख सकते होंगे आपके सामने ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको पहले तो जो लुक्स देखने को मिल रहा है, तो वो भाई है भाई एक तरीके से कह सकते होंगे कि ना तो भाई एक रैली टाइप का बाइक, ना ही एक भाई स्क्रैम्बलर टाइप का बाइक, और ना ही एक भाई नेकेड स्पोर्ट्स वाला बाइक। मतलब कि ये जो बाइक है ना, तो ये भाई स्क्रैम्बलर और नेकेड स्पोर्ट्स वाला जो मॉडल या फिर नेकेड बाइक्स जो है ना, तो उसका एक मिक्स कॉम्बिनेशन में है जैसे कि देख ही सकते होंगे। हालांकि इसके अलावा एक और भी जो मॉडल है ना, तो वो भाई क्रूजर टाइप का मॉडल देखने में तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, जो कि भाई देखने में तो एक बिगर बाइक का जो फीलिंग है ना, तो वो भी कुछ दे रहा है। और इसके ही साथ एक और भी चीज भाई, एक और भी बाइक है जो कि भाई एक एडवेंचर टूरिंग टाइप का बाइक है, और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये आपके सामने है, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है भाई ये जो स्पोक व्हील्स ना, तो वो भी। और इसके अलावा एक और भी मच्छी टाइप का मॉडल है, मतलब शार्क डिजाइनिंग के साथ में जो है ना, तो वही है, मतलब कि भाई शार्क के जैसा जो है ना, तो वो दिखने वाला मॉडल है। और ये जो मॉडल है ना, तो इसको देख के मैं नहीं भाई, बहुत सारे लोग ही कंफ्यूज है कि भाई ये जो मॉडल है, तो ये असल में है क्या। लेकिन भाई ये भी मुझे लग रहा है कि ये एक स्पोर्ट्स टाइप का ईवी बाइक है। और इसके ही साथ ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो हर एक बाइक है ना, तो इन हर एक बाइक के अंदर आपको जो पावर है, तो उसके अंदर भाई सिमिलरिटीज देखने को मिलने वाले हैं इंजन में। मतलब कि इन चारों ही बाइक्स का जो इंजन है ना, तो वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। और इसके अलावा ओला के ही जो न्यू इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना, तो उसका जो लॉन्च डेट जो भी सामने आए हैं, तो वो है अगस्त 15। मतलब कि अगस्त 15 के अंदर ओला कंपनी का न्यू इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है ना, तो वो लॉन्च होने वाला है। और हाँ, एवरेज में ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो चारों बाइक्स है ना, तो इसका जो भाई एवरेज जो आपको देखने को मिलेगा रेंज, तो वो एक बार फुल चार्ज करने के बाद बैटरी को कम से कम भाई 250 तक का जो भाई रेंज है ना, तो वो देखने को मिलेगा ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।